I really hope that you'll like the trailer, and I hope you'll enjoy the film as much when you'll see it. But I do believe that this should be the future of our cinema. Yeah, well, Indian cinema ka future hai sabse zyada. Aur kya kehna hai? इसके कैरेक्टर्स बहुत ही यूनिक है, बड़ी कमाल के हैं. मतलब चाहे संजय जी को देखें, जी वाणी को देखें, क्या बोलना चाहेंगे उनके कैरेक्टर्स के बारे में, अगर एक लाइन आप डिस्क्राइब करना चाहें तो. सबसे पहले मैं कहूंगा संजय सर के कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है शुभ सिंह. ये ऐसा कैरेक्टर है फिल्म में जो एक सिंपल विलन नहीं है, जो एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपको इससे डर भी लगेगा, इस पर नाराजगी भी होगी, इस पर हंसी भी आएगी. So he's going to be one of those villains which will almost make you feel almost all emotions that you want to feel in an Indian film. That is how unique Shubh Singh's character is in this film. He is outstandingly, fantastically evil, and he celebrates it. That is what it is. Yeah, and as far as Vani is concerned, when we were writing the script, the term the seductress temptress always came into our mind. And Vani ko main उसकी पहली फिल्म में मैंने बहुत पसंद किया था ना. आई रियली वांटेड टू वर्क विद हर. दार में बारो, क्या बात है. एक बार 16 तारीख की, आई थिंक पहली बार आप रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है जी. तो कैसे रहा, कैसे मैनेज किया और क्या? एक्चुअली मुझे याद है जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी करण से फर्स्ट टाइम पे, आई डोंट थिंक करण और आदि सर के माइंड में था कि एक ही एक्टर दोनों पार्ट्स प्ले करेगा, बिकॉज दे वर नॉट कन्विंस्ड के एन एक्टर लाइक मी कैन प्ले you know the father's role as well as the son's role. So humne bahut sare look test kiye, humne auditions kiye. I think Karan and me and Adi sir had to be convinced ourselves ki haan ye ho sakta hai. But script sunne mein itni lalach aayi thi as an actor, kyunki wo itna hi kamal ka character tha. You know, Balli ka character to hai, wo main hero hai film ka, but jo father ka character tha wo mujhe bahut hi kamal laga. And I was really crossing my fingers that Karan allowed me to play this character. Kya baat hai, zor aur taaliyon ke Ranveer ke liye. मजा आएगा. बाप बेटी की भूमिका हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही कमाल के फिल्में बनी है, आइकॉनिक फिल्में बनी है. आप इस ब्यूटीफुल हार्ट जो आपका होता है ना, किसी से भी दिल पे हाथ और पैर लगा के छोड़ दिया दुनिया में, उसको लेके आप पूरी रात घूम सकते हैं. और वो करते करते मेरा वेट कम हुआ है, तो खाना ज्यादा नहीं कम हुआ और वर्कआउट ज्यादा हुआ. और बेटिया कितने नहीं, शिवशेना इज एन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले. एज आई सेड, इट केम फ्रॉम अ थॉट दैट वाज गिवन टू मी बाय आदित्य चोपड़ा, एंड वी इलैबोरेटेड ऑन इट कमिंग दिस स्टोरी लाइन. तो शमशेरा का ओरिजिन वहां से हुआ है, इट्स एन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले. एंड जहां तक रणवीर और वाणी की पहली का सवाल है, रणवीर वाज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस फॉर शमशेरा, बिकॉज आई थिंक ही ब्रिंग्स इन द फ्रेशनेस दैट दिस जॉनर ऑफ सिनेमा रिक्वायर्स टू बी, क्योंकि हमने रणवीर को पहले ऐसे कभी देखा नहीं है. तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ बिग यूएसपी ऑफ द फिल्म. एंड वाणी फॉर मी इन अ क्लासिक हिंदी सिनेमा सिनेरियो इज द परफेक्ट हीरोइन दैट आई फील वी कैन ऑफर फॉर फिल्म, क्योंकि राइट फ्रॉम फर्स्ट फिल्म एंड नाउ आई फील शी इज ब्रिलियंट, शी इज एलिगेंट, शी होल्ड्स हर ओन, एंड शी गिव्स यू द बिग सिनेमा क्लासिक हिंदी पिक्चर हीरोइन एक्सपीरियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप डकैत बनना चाहते हैं या बन सकते हैं? डकैत मतलब चोरी करता हूँ, नहीं लूटना, लूटता हूँ, लूट सकते हैं. मैं सोच के बताता हूँ, अभी कुछ नहीं है. सब छोड़ दिया मैंने भाई. भाई यूं इसलिए यहाँ से पहली बार इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया जीवन में. वाह, थोड़ा तालियों नीचे रणवीर के लिए, और इनके पार्टनर को बधाई देनी चाहिए, इतना जल्दी चेंजेस कैसे आ गया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. हाय हाय रणवीर, योर टुवर्ड्स योर राइट हियर नीचे. आई नो दैट्स राइट, हां नया किया वाला, हां बोल ना. So when you were making, when people got to know that a movie like Shamshera was being made, there were a lot of apprehensions. But when we saw the teaser, I think it is one of the best films to be made, and you know, one of the biggest films. इस साल जो भी आपके trailers आए हैं, it is like for me, as I'll talk about me personally, I think this is gonna be your year. And both the films have had a lot of questions and apprehensions. Today, when the teasers and the trailers are out and people are loving it, do you sense a sense of validation? Well, it's not validation, because eventually we work really hard on a film. We spent a lot of years in this film, we spent 2-3 years on Brahmastra, so many years went. Eventually, even like, you know, when Sanju, the movie Sanju was being made, there were a lot of apprehensions that how will I play this character, you know, how will I pull it off. But it's really not about me, you know, it's a collective of so many people coming together, you know, and making a movie is not easy, you know, because if everyone had a formula, then everyone would have been Mukesh Ambani, but you know, nobody is
So it is a challenge, and it is a big risk that you have to take, and especially when you do such big budget, high octane action entertainers like Shamshera. But there is no fun without risk, right? So I hope that the audience likes it. I hope that the audience gets entertained, and that is the only endeavor, is that the audience should like such films. So I'm happy that all you guys are safe and continue being safe. Where movies are concerned, you know, it's an art that a lot of people debated that is the cinema going experience over. You know, are people still going to go to the movies? But then I've always maintained that you have to offer the audience, you have to offer the public something that will pull them into the hall. You know, you have to give them a larger than life experience, something which they know, that experience they will not get sitting at home watching television. That's the answer to your first question. And your second question is? Second is that it's a takeaway from the look that you've already Yes. Yes, I think I myself got bored with, you know, my comfort zone and the things that I was doing. I think after 15 years in the industry and as an actor, you have to keep challenging yourself, pushing the boundaries. And to be honest, no director really saw me in films like this. You know, I'm really grateful that Karan Malhotra offered me a role like Shamshera, because I was not getting offered films like this. They usually see me as a coming of age or a romantic cad or, you know, something of that kind. So I jumped onto this offer because I knew that, you know, this film has the potential to speak to a larger audience, to speak to an audience who loves going to the cinemas and loves that movie experience. So, yeah. Yeah. I don't crack up, the director does. Yeah. He's been too modest. You put him as a hero, as a villain, as a chacha, as a taya, as a son. He will crack any character because of his aura, his personality, his self. He will make anything seem amazing. Well, it's fun to play these characters, and I'm so happy that, you know, I mean, I worked with Karan, and he's got his things fixed in his mind, and he's, I can't say a taskmaster, but he loves making these kind of high-octane films. And I'm the happiest that Ranbir is doing Shamshera, you know, and this is what I was dreaming about, is to see him in a film like this, and, you know, I hope he keeps doing it. You know, it's partnership, you know, I've always partnered with the director, and I got a great partner, a great creative partner in Karan. It was a very hard road, trust me, there were many days on set when I used to sit and I was like, I can't do this. You know, apart from the physical stress, even the mental stress of playing this part, about, you know, this high octane, you know, the emotions were up there, you know, it's nothing which is real, it's really out there, you know, expressing yourself. And there were many days, and I'm like talking to God, I was like, you know, please look at me, I'm working very hard, and somewhere in life, please, you know, give it back, give something back. You know, I went through those days, but I'm glad I did, you know, because I don't think without a director like Karan Malhotra, I would have been able to do a film like this. Yeah. And मुझे बहुत अच्छा लगता है कि करण यू नो ऐसे सोच में हमेशा रहता है नहीं नहीं लार्जर देन लाइफ मूवीज लार्जर देन लाइफ हीरो द हीरो एंड द विलन यू नो ही मेक्स अ फुल एंटरटेनर एंड ये हीरोइज्म कभी जाएगा नहीं एंड मुझे खुशी हुई है कि इज डन इट यू नो एंड अभी मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा करेक्ट अच्छा नॉर्मली होते नहीं लेकिन हमारे गुजर छः गाने वो आप गानों की डिटेल तब जानेंगे जब सुनेंगे जब म्यूजिक रिलीज होगा लेकिन एज फार एज द बैकग्राउंड इज कंसर्न मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका बहुत 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 बड़ा क्रेडिट जाता है मिथुन को जिसने इस फिल्म के गाने भी किए हैं और बैकग्राउंड स्कोर भी किया है हमने कुछ 7 से 7.5 महीने लिए थे इसका बैकग्राउंड प्रिंट नॉर्मली एक एवरेज फिल्म को 2-2.5 महीने लगते हैं एंड इट वॉज अ वेरी इंटेंस प्रोसेस इट वॉज अ फैंटेस्टिक प्रोसेस बिकॉज we were collaborating on a visual that needed much more than an ordinary film would need. तो उसके लिए I think एक right partner होना बहुत जरूरी था जो मिथुन था. दूसरी बात ये है कि because film के visuals larger than life, background score larger than life होना बहुत जरूरी है ताकि उसको support करे. And मेरा ये मानना है कि हम जो पुराने ज़माने में या हम आगे जाके आज हम जब गणपति के विसर्जन में जाते हैं जब ढोल सुनते हैं जब live instruments सुनते हैं I think वो कहीं ना कहीं missing हो गया था. And I think Shamshera for me was the right opportunity to bring all of that back and reinvent it for a film that will release in today's times. So that experience was brilliant. Thank you. Correct. Filmmaker ka connection. Chahe kisi bhi language mein ho, kisi bhi region mein ho, kisi bhi state mein ho. The connection of the filmmaker has met with humongous success. And mujhe lagta hai ki as a country we should only be celebrating that, nothing else.
एंड आई होप कि हम सब मिलके वो कन्विक्शन अपनी कहानियों में क्रिएट कर पाएं. जब हम सोच रहे हो किसी कहानी के संक्षेप के लिए उसी कन्विक्शन से सोच पाएं, जिस कन्विक्शन से इन सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स की फिल्म मेकर सोच पाएं, वो बहुत जरूरी है. बिकॉज आई थिंक इज अ सक्सेसफुल कन्विक्शन. इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स. इट्स नॉट अबाउट वेदर अ साउथ इंडियन फिल्म वर्क और हिंदी फिल्म. इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट. वन तो टूम रेडर्स पर थोड़ा बहुत मौका मिला है एंड आई हैव रियली एंजॉयड इट. संजय सर थे एंड आरके वाज आल्सो देयर इन दैट एक्शन यू नो एंड आई रिमेंबर एक सीन था वेयर संजू सर हैड टू स्लैप बनी एंड बनी वाज टेलिंग संजू सर आप सच्ची में मारो. संजू सर बोल रहे हैं सच्ची में मारो. So I think I'm a method actor that way. ये फिल्में जैसे आप देख रहे हैं, big budget VFX heavy फिल्में हैं, so they have taken its time. COVID भी आ गया था, तो I don't know if it's an unfortunate thing or a fortunate thing कि मेरी दोनों फिल्म I think 45 day के span में आ रही, but I think फिल्में को लेके अलग मेरे लिए बहुत बड़ा साल रहा है. मेरी शादी हुई है इस साल, वो बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ रही है मेरे लाइफ में. मैं ही कहता था कि फिल्मों में कि शादी इस दाल चावल फॉर 50 साल जुड़ा है, लाइफ में थोड़ा बहुत टंगड़ी कबाब की माँ पाओ हका नूडल होना चाहिए, बट बॉस जिंदगी के तजुर्बे के बाद दाल चावल ही बेस्ट है और कुछ नहीं. मेरे लाइफ में जो आलिया है मेरे लाइफ में वो दाल चावल में तड़का है, अचार है, काला है, प्याज है, सब कुछ है. सो आई कुड हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर पार्टनर. सिमिलैरिटी तो कुछ नहीं है, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. KGF ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा कम बोलने वाला आदमी है. शूट सिंग इज मोर फन, इज अमेजिंग. ऑल आई कैन से इज के इज जस्ट फन, इज डेंजरस, इज कनाइविंग. लेकिन सेट प्रॉब्लम पे हुआ था, प्रॉब्लम सेट पे हुआ था जब रणबीर को मुझे चाबुक मारना पड़ा, वो अच्छा नहीं लगा. फिर क्लाइमैक्स में मैंने इसको मारा, वो भी अच्छा नहीं लगा. और मानी को थप्पड़ अगर मार देता तो शायद नहीं होता. बट आई कांट कंपेयर बोथ द फिल्म्स. आई एम इट्स टोटली डिफरेंट. क्या बात है. आलिया हैज सीन द टीजर, शी इज इन लंदन राइट नाउ, सो शी इज स्लीपिंग. सो आई गेस व्हेन शी वेक्स अप शी विल सी द ट्रेलर. And I already answered the question, about Sanju sir, is that my journey from idolizing him to playing him to actually for us being nemesis has really been amazing. Last question. Different character you have played currently after that very long, and was some kind of exercise or some kind of a role play you required to go to this character, to fit in this character? Haan ji, of course, you know, every character comes with its own challenges, its own homework. You know, you have to research it, you have to interact with the director, you have to work with him. So, bahut humne prep kiya is film ko lekar. Bahut action prep tha. You know, we got fantastic crew from all over the world. You know, even our local crews. We put in like 30 days of rehearsal work before each sequence. Jaise aapne ek jhalak dekhi hai, ek train ka sequence hai. वो एक्चुअली करण मल्होत्रा ने एक वन शॉट जैसा डिजाइन किया था, तो बहुत मजेदार था. इवन टू लाइक रियल सेट एंड परफॉर्मेंस, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिएक्शन टू दैट. चलिए आइए, फोटो लेंगे.